शिवपुरी पुलिस को अपहरण करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। मामला मगरौनी चौकी का है, जहां अपहरणकर्ताओं ने एक व्यक्ति का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसकी शिकायत लेकर उसके परिजन थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया और आरोपियों द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची। जैसे ही अपहृत के भाई ने फिरौती दी, उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 25,500 रुपए, एक 12 बोर्ड का कट्टा, कुल्हाड़ी और सरिया जब्त किया है। तो वहीं एक आरोपी जंगल एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। एक फरियादी हमारा आसिफ खान, उसके मामू थे अमजद खान, इन लोगों को एक व्यक्ति अकार करके साथ में मोटरसाइकिल से ले गया था और ये कह के कि भैंस सस्ते में दिलवा देगा, जिसके पैसे धंधे का काम ये अमजद करता है। वहाँ पर मंगरौनी के पास में जंगल में तीन लोग और मिले और जो बंदूक लिए थे, और उन्होंने फिर इसको पकड़ लिया अमजद को। आसिफ ने जब कहा कि मैं तो काम करता हूँ, तो उसको छोड़ दिया इन्होंने। तो आसिफ ने फिर थाने में रिपोर्ट की, इसमें 365 का केस रजिस्टर किया।